हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के करंट एनर्जी रिलेटेड मैसेजेस। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूं और ना ही मैं कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं। सो प्लीज़ कैमर से बचिए, मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज नहीं करूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, फिर कोई प्रोडक्ट सेल के लिए, क्योंकि ये सब नहीं करता हूँ। नाउ कलेक्टिव रीडिंग है, ओके? मतलब क्या है कि कलेक्टिवली हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या फीलिंग्स बता रहे हैं। सो हो सकता है कि इस फीलिंग्स के साथ आपके पार्टनर की फीलिंग्स और आपके फीलिंग्स एकदम हूबहू एकदम रेजोनेट करें, नहीं भी हो सकता है। बट आप इंट्यूटिवली लीजिए, यानी कि आप सरेंडर कीजिए यूनिवर्स के सामने कि क्यों और क्या मैसेजेस यूनिवर्स दिखा रहे, तभी जाके आपको पता चलेगा। सो लेट जस्ट सी, ओके? जय माँ काली, यूनिवर्स एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट एनर्जी बता दीजिए। सो आपके पार्टनर अभी क्या फील कर रहे, मेरे व्यूअर्स के करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर के करंट एनर्जी, व्यूअर्स के करंट एनर्जी, व्यूअर्स के ओके। नाउ फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, एट ऑफ कप्स। मैं ये देख सकता हूँ कि कोई पार्टनर कंफ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए चुप है, कोई नहीं चाहते हैं कि आपके साथ ये झगड़ा करे। और ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि पास्ट में भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहा था, वहाँ से बाहर आ रहे हो। ऐसा मेरे को लगता है कि कोई नहीं चाहते कि आपके साथ और बात करे या फिर झगड़ा करे। तो आई थिंक समवन इज मूविंग ऑन, रिसेंटली किसी के साथ कट ऑफ हुआ है, रिसेंटली कोई आपको ऑफ हुए है, या फिर रिसेंटली आप दोनों बहुत झगड़ रहे थे, वहां से आप यू नो पैचअप करने के लिए कोई आ रहे। समवन इज ट्राइंग टू कम इन और समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा मेरे को लगता है कि आप शायद किसी आर्गुमेंट से मूव करके कहीं पे जा रहे हो एंड इसके रिफ्लेक्शंस इसके ऊपर आ रहे हैं। लाइक किसी को पता चल रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो किसी एक चीज़ से लेके दूसरे चीज़ को, एंड वो लोग अभी बहुत क्लूलेस है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपके अंदर ये चेंजेस क्यों आए हैं। बट आई थिंक एट ऑफ कप्स मतलब किसी को रियलिटी चेक मिल रहा है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपको पता चला है कि कोई पर्सन आपको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए शायद आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हो, एंड दैट द रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं कि उनको पता लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे एंड नाउ बोथ ऑफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू थिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई फॉल्स फाउंडेशन से आपने मूव ऑन किए हो, नाउ इसको पता चल रहा है कि यू नो सेपरेशंस क्या चीज़ है। आई थिंक ये इमोशनली शायद मूव ऑन कर रहे हैं, और लाइक ऐसा हो सकता है एक टॉपिक से लेके दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। आई थिंक दे आर सैड येट दे आर रिग्रेटिंग, वो लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि वो आपको कन्विंस नहीं कर पाए या फिर वो आपको मना नहीं पाए, ऐसा कुछ चल रहा है, कोई रिग्रेट है। अगर आप मूव ऑन किए हो तो आपके बारे में रिग्रेट वो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये लोग अगर मूव ऑन कर रहे हैं तो भी ये खुश नहीं है। या पेज ऑफ कप्स, आई थिंक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एनर्जी, सो नए इमोशनल सीड्स को प्लांट कर रहे हो आप लोग। सो हो सकता है कि बात करना स्टार्ट कर रहे हो, ये हो सकता है कोई सीक्रेट क्रश है, हो सकता है कि आप एक स्टेडी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हो, लिव इन का प्लान कर रहे हो, बट यू नो ये एक इनिशिएशन है। पेज ऑफ कप्स मतलब क्या है, ये हो सकता है कि आपने किसी के लिए सोच रहे हो, फीलिंग्स है, बट ये आपको प्रपोज करेंगे, कोई पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपको अच्छा फील कराना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक नया मोर आ रहा है। आई थिंक कोई पर्सन आपके शहर में आना चाहते हैं, या फिर हो सकते हैं एक मैरिड पर्सन आपके सोशल मीडिया से बहुत यू नो इम्प्रेस्ड है, तो ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। आई थिंक आपके पार्टनर बहुत इम्प्रेस्ड है आपसे, और ये आपके यू नो आपका कुछ चीज़ इसके नोटिस में आए हैं, आपके क्रिएटिव साइड इसके नोटिस में आए हैं, तो ये लोग बहुत खुश भी है आपके
बारे में सोच के एंड एट द सेम टाइम हो सकता है कि एक न्यू कनेक्शंस बन रहा है किसी पर्सन के साथ. आई थिंक आप ये चीज़ नहीं देख पा रहे हो, बट कोई पर्सन लिटरली आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं. हो सकता है कि आप साइन को मिस कर रहे हो, बट ये आपको मान रहे. आई थिंक समवन इज मैनिफेस्टिंग यू. हो सकता है कि एक बहुत ही यंगर लुकिंग पर्सन है जो आपके लिए बने हैं. आई थिंक आप दोनों के बीच में उतना ज़्यादा बात नहीं हुआ, ये एकदम नए एनर्जी मेरे को लग रहा है. एंड ऊपर से ये भी हो सकता है कि यू नो आप शायद किसी पर्सन को एज एन इंडिविजुअल कंसिडर नहीं कर रहे थे कि इनके अंदर में भी आपके लिए कोई फीलिंग्स हो, बट यहाँ पे आ रहा है कि हाँ वो भी सोचते हैं. आई थिंक पेज ऑफ कप्स मतलब एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है, इसके साथ आप रिसेंटली मिले हो, या फिर सीक्रेट क्रश है, या फिर अगर आपके एग्जिस्टिंग कोई कनेक्शंस चल रहा था तो हो सकता है कि कहानी में ट्विस्ट, समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ एंड ये पर्सन को पता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर आपका दर्द क्या है. आई थिंक कोई पर्सन बहुत क्यूरियस है, इंटरेस्टेड भी है, बट इनको एक मौका चाहिए आपके साथ बात करने का. सो ये मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए. ये पर्सन क्रिएटिव है, माउंटेन इसको बहुत पसंद है. ये पेंटर हो सकता है, डांसर हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव पर्सन है जो आपके बारे में बहुत इंटरेस्टेड है, जो क्यूरियस भी है, जो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और जिनको पता है कि आप उसे पसंद करते हो, बट अभी तक आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. तो ये एक्सेप्टेंस चाहते हैं आपसे और ये एक मौका का इंतजार कर रहे कि कब आपके साथ ये बात करे. आई थिंक ये उनका भी एनर्जी आ रहे हैं. हो सकता है कि आप भी एक क्रिएटिव एक फ्रीडम ढूंढ रहे हो. हो सकता है कि ये रीडिंग को आप देख रहे हो बिकॉज आप चाहते हो कि कोई नए कनेक्शंस बने, और हो सकता है कि आप भी अपने पास कनेक्शन से तंग आ चुके हो एंड नाउ यू आर फोकसिंग ऑन न्यू कनेक्शंस. तो ये आपका रिफ्लेक्शन है कि आप लोगों के साथ बात करना स्टार्ट किए हो एंड यहाँ पे इसका एनर्जी दिख रहा है कि लोगों को पसंद आ रहे हो आप, बट ये आपसे कुछ कह नहीं रहे, बट ये कहेंगे बहुत ही जल्दी किसी को पसंद आए हो आप. यप एंड वाओ अगेन पेज ऑफ वांड्स. आई थिंक यहाँ पे एक पैशनेट जर्नी स्टार्ट हो रहे हैं. ओके आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ लैक ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, लैक ऑफ कम्युनिकेशंस, क्योंकि आप कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे, किसी को समझा नहीं पा रहे थे, या फिर कोई आपको समझ नहीं पा रहा था, या फिर कोई सोच रहा था कि आप इतना इंपल्सिव क्यों हो रहे हो. ऐसा भी हो सकता है कि आप कमिटमेंट के लिए किसी को कुछ बोले हो, या फिर किसी को कंप्लेन किए हो, या फिर आपने किसी पर्सन को बोले हो कि आपका तकलीफ क्या हो रहे हैं, या फिर आप किसी पर्सन को मिस कर रहे थे, वो आप बोल नहीं पाए थे. आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था, बट नाउ दे आर रेडी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो कोई पर्सन ऐसे है जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आ रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप को फिक्स करने के लिए आ रहे हैं, एंड नाउ दे आर पैशनेटली थिंकिंग अबाउट यू. या फिर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी है, ओके ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये आपके साथ लव मेक करना चाहते हैं, ये आपके बॉडी पार्ट्स के साथ साथ आपके इमोशनल नीड्स को भी फुलफिल करना चाहते हैं. नाउ ये पर्सन क्या है, ये पर्सन बहुत यंग एंथुसियास्टिक है ही, बट साथ ही साथ इस पर्सन को लगता है कि जब भी ये आपके साथ बात करते हैं तो ये एक्साइटेड फील करते हैं, यू नो आपको देख के ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते. नाउ द थिंग इज कि पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वांड्स मतलब ये लोग वाकई में इमोशनली मैच्योर है. सो इसीलिए क्या हो रहा है कि ये ना आकर्षित हो रहे आपके लुक्स को देख के, बट यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ही खूबसूरत हो और अक्सर आप गलती करते हो लोगों को फेस वैल्यू से एंड मतलब लोगों को एक्सेप्ट कर लेते हो फेस वैल्यू से. आई थिंक ये गलती आप शायद किए थे और इसीलिए बहुत लास्टी मैसेजेस का रिप्लाई आप अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को यू नो इसीलिए एंटरटेन नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये बाकी सारे पर्सन के जैसे ही है, बट आपको एक अंदर से फीलिंग है कि इसको देख के आपको भी थोड़ा सा लास्टी फीलिंग आ रहा है. वेल ये लोग फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, और अगर ये नए पर्सन हैं तो बट डेफिनेटली यहाँ पे कुछ खास लव कनेक्शंस मेरे को नहीं दिख रहा है. टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे लास्ट कनेक्शंस ही मेरे को दिख रहा है. बट अगर आप एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे हो और आप सच में चाहते हो कि आपके पर्सन आपके बारे में थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा एडवेंचर लेके आए, रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ट्विस्ट आए, रिलेशनशिप थोड़ा सा एक्साइटिंग बने, सो यस यू आर गेटिंग इट राइट, क्योंकि आपके पर्सन
एक नई सेक्सुअल एनर्जी के साथ आ रहे हैं। आई थिंक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा था इस कनेक्शन पे। क्या हो रहा था ना कि बहुत दोनों ही बहुत बिजी हो गए थे, तो इसीलिए शायद फोकस नहीं कर पा रहे थे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि रिलेशनशिप पे आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे। तो इसीलिए शायद आपको लग रहा था कि वो पैशन मिसिंग है, वो पहले की तरह बात मिसिंग है, पहले की तरह सिचुएशन मिसिंग है। तो कोई एक रोमांटिक डिनर डेट का प्लान कर सकते हैं, कोई आपको सरप्राइज देने का प्लान कर सकते हैं, कोई आपके साथ कहीं पे जाने का प्लान कर सकते हैं। सो आई थिंक लॉट्स ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग गोइंग ऑन उनके दिमाग में। नाउ अगर आप ओवरऑल ये रीडिंग को देखोगे तो आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं, आपके पर्सन कुछ चीज को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पर्सन मूव ऑन भी कर रहे हैं। सो ओवरऑल मैं ये भी देख सकता हूँ कि यू नो ये टेम्पोररी फीलिंग्स है, कोई भी फिक्स्ड फीलिंग्स मेरे को नहीं आ रहा है। सो आई डोंट थिंक आपको उसके फीलिंग्स के ऊपर आज फोकस करना चाहिए। अगर ये कुछ भी बोल रहे हैं तो मान लीजिएगा कि दे आर नाउ यू नो दे आर नॉट एट ऑल सीरियस। Yes, they are not at all serious. They are just trying their level best to solve anything. या फिर आपके energy के साथ match करने के लिए, या फिर आपको impress करने के लिए कुछ कर रहे हैं। Now, इसका मतलब ये नहीं है कि they are fluttering with you. इसका मतलब ये है कि ये divine guidance आपको यही बोल रहे हैं कि don't give a damn to their words. Like वो लोग ये सब बोल रहे हैं, इसका कुछ meaningful फाउंडेशंस मेरे को नहीं दिख रहा है। सो आज आप इन लोगों के बातों में मत आओ, ओके? आज आप खुद के बारे में ही सोचो, क्योंकि ये लोग सेक्सुअली बहुत ज्यादा अर्जेस को फील कर रहे हैं, ये लोग फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ये लोग इमैच्योर भी है, इमोशनली ड्रिवन भी है, एंड एट द सेम टाइम ये लोग एक टेम्पररी फेज में है, ओके? यहाँ पे ये जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं ये नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि ये आज जो बोल रही है बहुत खुश होके कुछ बोल रही है, या फिर बहुत दुखी होके। सो आई थिंक यू डोंट नीड टू पे अटेंशन टू देयर एनर्जीज टुडे, क्योंकि ये ओवरऑल आज कुछ अलग ही लेवल पे है, ओके? किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग हो सकता है, बहुत ज्यादा प्यार दिखा सकता है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ एकदम चुप हो सकता है, एकदम नेगेटिव हो सकता है। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल टुडे, सो डू नॉट इवन पे अटेंशन टू देयर वर्ड्स बिकॉज दे आर नॉट इन देयर मूड, ओके? लेट्स सी कि इस पर्सन का जो फीलिंग्स है ये तो हम देख लिए है, तो इस पर्सन का इंटेंशन क्या है इस टाइम पे, ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे इस टाइम पे, आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे इस टाइम पे, ओके? टू ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओ माय गॉड, ओके, फोर ऑफ शोर्ड्स, इट्स क्लियर। Now, two of pentacles and devil and four of swords का मतलब क्या है? ये person चाहते हैं कि इनके सच आपके सामने कभी भी ना आए, okay? So basically क्या है कि ये person आपको बहुत ज़्यादा naive समझ रहे थे, and ये person को पता है कि आप इसको बेइंतहा मोहब्बत करते हो, but to be very honest, ये लोग आपको हमेशा से ही second priority में रख रहा है, so that is why two of pentacles, that person is not able to handle your emotions, तो यहाँ पे बात आ रहे है कि ये person अभी चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हील हो जाओ, आप थोड़ा सा भूल जाओ, जो भी हुआ सब आप भूल जाओ, ये person चाहते हैं कि आप अपनी negativity से बाहर आओ, आप इनके साथ बात करो। Now the thing is कि two of pentacles, मान लीजिए मैं इनके तरफ से सोच रहा हूँ, ओके? नाउ ये आपको बोल रहे कि आप नेगेटिव हो, आप बहुत ज्यादा ही ऊटपटांग सोच रहे हो, सो आपको हील होना है, ओके? मैं इनके इंटेंशंस को बोल रहा हूँ, बट आप क्यों नेगेटिव हो? बिकॉज ये पर्सन आपकी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाए, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे, ये पर्सन आपको कॉल नहीं कर पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, आपके साथ नहीं है, ये दूर दूर से आपको हैंडल कर रहे। आप क्यों नेगेटिव हो? क्योंकि ये पर्सन बहुत डिस्टेंट है, ये पर्सन आपको नेगेटिव बना रहे, ये पर्सन जो प्रॉमिस कर रहे वो निभा नहीं पा रहे, ये पर्सन एंजाइटी क्रिएट कर रहे, ये पर्सन गुस्सा दिला रहे, एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपको एक लोनली स्टक जगह पे छोड़ के चले जा रहे। अब इस पर्सन को लगता है कि आपको हील होने का जरूरत है, क्योंकि तो फिर आप इसको क्वेश्चन नहीं करोगे, तो फिर आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो फिर आप इसको अपना काम करने दोगे, तो फिर आप अपने ही उलझन पे उलझा रहोगे। सो मतलब क्या हुआ? इसका इंटेंशन है सिर्फ अपने तरीके से सिचुएशंस को सॉल्व करना, और आपके चोट पे मरहम पट्टी देके फिर से वही चोट वही दर्द देना। सो नाउ
someone is not able to identify their own mistakes. तो ये लोग अपने mistakes को identify नहीं कर पा रहे, ये दूसरों को criticize करे. So आपके person का main mistake है कि इनके प्रायोरिटी सेट नहीं है. आपके पर्सन का मेन मिस्टेक है कि आपको ये सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे. आपके पर्सन का मेन मिस्टेक है इसको पता लग रहा है कि आप ऑटोमेटिकली हील हो सकते हो. नाउ ये रिलेशनशिप है, ये 2 मिनट्स का मैगी नूडल्स नहीं है. सो इनके इंटेंशंस क्या है, साफ बात है इमोशनली ड्रिवन है. जब आप रोगे तो ये आपके सामने आके ओके बेबी, नो बेबी, हेलो बेबी, यस बेबी बोल देंगे. तब जब आप हंसोगे तो इट्स गुड, बट प्रॉब्लम वहीं का वहीं है. सो नाउ इनका इंटेंशन क्या है कि आप ज्यादा क्वेश्चन इनको मत करो, ज्यादा कमिटमेंट की तरफ मत देखो, आप हील हो जाओ, आप खुश रहो, आप अच्छे से रहो, आपका जो जरूरत है मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम कमिटमेंट, अपार्ट फ्रॉम देयर प्रॉमिसेस, अपार्ट फ्रॉम मैरिज, अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज सोशल थिंग्स. तो इन शॉर्ट ये आपको अपना प्राइवेट लव पार्टनर, सेक्स पार्टनर बनाना चाहते हैं. बट जब भी आप इनके पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करना चाहोगे या फिर आप इनको साफ साफ बोल दोगे कि नो आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस बट आई रियली वॉन्ट अ सिंपल लव, आई रियली वॉन्ट सिंपथी, आई रियली वॉन्ट टू स्टे विथ यू, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ आओ बात करें, चले हम घूमें. हमेशा जरूरी नहीं कि सेक्सुअली ही हम बात करें और सेक्सुअल पर्पस के लिए ही आप मेरे लाइफ में आए या फिर मेरे पास आए, जरूरी नहीं. तब आप नेगेटिव हो जा रहे हो, तब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो. सो इनका इंटेंशंस मेरे को पहले से ही लग रहा था कि कुछ सही नहीं है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल ड्रिवन है और यही प्रूव हुआ. नाउ यूनिवर्स आप अभी बोलिए कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा. मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है. ओके, 7 of Wands ये अपने गलतियों को नहीं मानेंगे, खुद को सेफ गार्ड करने के लिए आपको विक्टिम बनाएंगे. सो बेसिकली मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपनी गलतियों को. अगर आप इनको क्वेश्चंस करोगे तो ये साइलेंट हो जाएंगे. सो बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी रिप्लाई फ्रॉम देम. सो आज इनके ये कोई रिप्लाई नहीं देंगे, ये खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, ये खुद को सती साबित प्रूव करेंगे और ये जितना हो सके आपको क्रिटिसाइज करेंगे. आपको ही गलती, मतलब आप मैसेज करके बहुत बड़ा गलती किए हो, आपने इसको डिस्टर्ब किए हो. आपका तो फ्री टाइम है ही बट उनके लिए टाइम नहीं है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर है, इनके हिसाब से ये प्राइम मिनिस्टर है और आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑल टाइम बिजी है. दैट इज इट. ओके, 7 of Wands द एनर्जी मीन्स मैं अभी बिजी हूं, मैं बाद में बात करूंगा या फिर मैं अभी तो इस बारे में बात नहीं कर सकता हूं. नाउ द हाई प्रेस्ट एंड वाओ किंग ऑफ वांड्स, इनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि आप इनको पकड़ रहे हो. ओके, इनके झूठ्स को, इनके 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 सीक्रेट्स को और ये हर हाल में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली आपके लाइफ में आना चाहते हैं कि आपको ये सोचने का मौका ही नहीं देना चाहते. लाइक ये आपको कुछ स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनालिटी को आप देखे होंगे जिन लोगों को लगता है कि इनके पास सारे नॉलेज है. आप उसको नासा के बारे में बोल दो, आप उसको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बोल दो, आप उसको न्यूट्रिशंस के बारे में बोल दो, आप उनको पुलिस के बारे में बोल दो, आपको आप उनसे कुछ भी सवाल कर लो, उनके पास आंसर सब चीज़ के लिए है. और ये लोग एक ही चीज़ का आंसर इसके इन लोगों के पास नहीं होता है जब आप इन लोगों को सच्चाई पूछते हो कि भाई आप आपके लाइफ के बारे में बताओ, तब ये लोग बता नहीं पाते. सो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कोई पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपका दिल चुराना चाहते हैं, आपका टाइम बर्बाद करना चाहते हैं. ना मतलब टाइम बर्बाद और दिल चुराना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स जब आते हैं ना तब आप इन लोगों का मैं कुछ एट्रीब्यूट्स बोल दे रहा हूँ. ये जब आएंगे तो आप इनके लिए आप पूरे टाइम को फ्री रखना होगा आपको. सेकेंडली आपको घर को साफ सुथरा रखना होगा. थर्ड आप इनके लिए कुछ स्पेशल फील करवाएंगे एज इफ ये लोग आ रहे हैं आपके मेहमान और आपको मेहमान नवाजी करनी है. द मोमेंट यू से के नो मेरा आज काम है, आज आप नहीं आ सकते हो, देन दे आर गोना टारगेट यू एंड देन दे आर गोना से के नो यू आर वेरी मीन एंड ऑल एंड ऑल. सो बेसिकली ये चाहते हैं, मतलब इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आपके सामने आएंगे और विद देयर कॉन्फिडेंट विद देयर ग्रेस एंड द हाई प्रेस का मतलब क्या है कि ये आपको आपके साथ सीक्रेटली, यस डेफिनेटली सीक्रेट सेक्स, सीक्रेट लव बॉम्बिंग या फिर सीक्रेट कमिटमेंट देंगे.
बट किंग ऑफ वंस मतलब अपने तरीके से ये आपको लव फील करेंगे। किसी किसी के लिए देख सकते हो, फाइनेंशियल मदद ये कर सकते हैं, लग्जरियस गिफ्ट्स लेके आ सकते हैं, या फिर कोई ऑफर दे सकते हैं, कोई सेकेंड ऑप्शंस ये बता सकते हैं, या फिर सीक्रेट डेट पे लेके जा सकता है। अगेन एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे आपको, क्योंकि हाई प्राइस मतलब यहाँ पे ये जो भी करेंगे अपने मकसद के लिए करेंगे, अपने ईगो को प्रूव करने के लिए, अब खुद को साफ दिखाने के लिए ये करने वाले हैं। नाउ द हाई प्राइस का कार्ड मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के इस हरकत को आपको पता चला है, यानी कि आपको भी कुछ पता है कि ये पर्सन ऐसे ही करते हैं झगड़ा के बाद, या फिर कुछ ऐसे रिएक्शन हमेशा देता है। सो कोई पर्सन अपना प्रेडिक्टेबिलिटी को और एक बार प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ वो जिस तरीके से कुछ काम को करते हैं उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे। ओके लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं उनके नेक्स्ट एक्शंस के लिए। यप द टावर, एक बंगाली पे कहावत है कि ज्यादा उड़ो मत, ये हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं कि बेशी उड़ो ना। आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली गोना हैपन। नाउ ये लोग खुद को बहुत समझ रहे थे, खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे, बट द थिंग इज द टावर मतलब किसी को अपना रियलिटी चेक मिलने वाला है। लाइक ये पर्सन अगर बहुत ज्यादा तेज भाग रहा था, यू नो एक चीज इन लोगों को पता नहीं कि आप जैसे इम्पैथ जब रोते हो हर एक आंसू को माँ देखते हैं, और इस हर एक आंसू का कीमत उनको देना पड़ेगा। वो फिलहाल सोच रहे होंगे कि नहीं इस पर्सन को तो मैं ऐसे चुटकी बजा के मेरे ग्रिप पे लेके आ सकता हूं, बट वो ये नहीं जानते हैं कि एक एक आंसू की कीमत इनको पता है। सो नाउ दे आर गोना फेस देयर कर्मा, दे आर गोइंग टू फेस देयर कर्मा, दे आर गोना ब्रूटली दे आर गोना गेट अ ब्रूटल स्लैप ओके फ्रॉम यूनिवर्स। क्योंकि द टावर मतलब इन लोगों का जो प्लान था ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट एक्शंस इन लोगों के लाइफ में एक शॉकिंग रियलाइजेशन होगा, ये फिर शॉकिंग चेंज होगा, एंड जिसके बाद ये जो उड़ रहे थे उड़ना बंद हो जाएगा, वो चुपचाप आपके सामने आके अपना गलतियों को सरेंडर करेंगे। सो द नेक्स्ट एक्शंस में मेरे को लग रहा है एक बहुत शॉकिंग कार्मिक चीजें होगा, और जो शायद होना था, कोई पर्सन बार बार गलती करके भाग रहा था, कोई पर्सन आपको जिम्मेदार मान रहा था, कोई पर्सन आपको हमेशा टारगेट कर रहा था, कोई पर्सन आपको वैल्यू नहीं दे रहा था। नाउ दे आर बाउंड टू गिव यू जस्टिस, दे आर नाउ बाउंड टू गिव यू वैल्यू, दे आर नाउ बाउंड टू गिव यू प्रायोरिटी, दे आर नाउ बाउंड टू यू नो एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। मेरे को ऐसा लगता है कि पब्लिक कमिटमेंट ये लोग कर रहे हैं, या फिर घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, या फिर कोई पब्लिक अपोलॉजी मांग रहे हैं, या फिर ये आपके सामने आके अपोलॉजी मांग रहे हैं, या फिर रास्ते में आपके सामने अपोलॉजी मांग रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को सबक मिलेगा। इसके नेक्स्ट एक्शंस पे मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन को जरूर सबक मिलेगा, और ये थप्पड़ मारेगा इसको इसके डेस्टिनी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपको यूज किया है, समवन हैज यूज्ड यू, एंड उनका कर्मा बैकफायर होगा, डेफिनेटली बैकफायर होगा। लेट्स सी यूनिवर्स के एडवाइस आपके लिए क्या है इस टाइम पे, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं इस टाइम पे, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या एडवाइस दे रहे हो। ओह द लवर्स, जो आपका है उसको कोई नहीं छीन सकता है, जो आपका है वो आपका है, और वो चुपचाप आपके सामने आ जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू वॉरी, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ लव इस टाइम पे। किसी भी पर्सन के सामने गिरगिराओ मत, वो आपके सामने आएगा। वाओ द जजमेंट, कोई टॉक्सिक पर्सन है जिसको आपको काइंड ऑफ रोकना है। ओके यू हैव टू टेक अ डिसीजन, एंड हो सकता है डिसीजन आप ले रहे हो और डिसीजन सही लेना होगा आपको, लिटरली आपको अपफ्रंट होके डिसीजन लेना है। जो बार बार जो गलती कर रहे थे उसको और ज़्यादा गलती मत करने दो, आपके साथ जो गलत कर रहे थे उसको उसके उसका गलतियों को सज़ा उसको मिलना चाहिए। सो आई थिंक येस आप शायद इसको अपसेट करोगे, बट आपको नो बोलना होगा, इट्स बेटर टू से नो। लाइक आप एक लोनली शेर बनोगे, बट आपको पॉपुलरशिप नहीं बनना है। ओके जस्ट लर्न टू बिकम अ लोनली लायन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पॉपुलरशिप। प्लीज प्लीज जस्ट बिकम अ लोनली लायन। अगर आपको लगता है कि ये टॉक्सिक बार बार, ये टॉक्सिक पर्सन बार बार आके आपका मेंटल पीस को बर्बाद करे, स्टॉप इट इमीडिएटली। यूनिवर्स आपको बोलेगा डिसाइड कर लो कब तक
अब इस पर्सन को आने दोगे? ओके, इट्स अ हाई टाइम टू डिसाइड इट, इट्स अ हाई टाइम टू से नो टू दिस। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स जो आपका है वो आप ही का रहेगा। यू आर गोइंग टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसके बिना आप अधूरे हो या फिर ये चले जाएंगे तो आप बहुत अकेले पड़ जाओगे, बिल्कुल नहीं, सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम आपको मिलेगा। अगर आप ब्रेव होके कुछ डिसीशंस लोगे तो यूनिवर्स तभी आपको मदद करेंगे। आई थिंक आप बार बार एक टॉक्सिक पैटर्न में आ रहे हो, बार बार जिस पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो या फिर कोई भी रीडिंग देख रहे हो वो पर्सन आपके लिए बना नहीं है। ये हो सकता है आपके लिए जो ऑलरेडी एक मैरिड है या फिर जो आपको अबंडन करके चले गए हैं या फिर जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है और बार बार आप उसको भूल नहीं पा रहे हो। नाउ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके सामने बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, बट उसके बावजूद भी आप उसी दौर जाना चाहते हो, उसी नेक्स्ट पर्सन मतलब उसी पास्ट पर्सन के पास जाना चाहते हो। सो प्लीज डोंट डू दैट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, घर के खुशियों के बारे में सोचिए, पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने ग्रेटर गुड के बारे में सोचिए, प्लीज अपने करियर के बारे में सोचिए। और कोई पर्सन आपका जिंदगी नहीं हो सकता है, आपका काम आपका जिंदगी है, ये बात सुनिए और ये बात को समझिए। कोई पर्सन आपका जिंदगी नहीं हो सकता है। अगर आप किसी पर्सन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे, 110% मान लीजिए कि वो पर्सन चला जाएगा। सो लर्न टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर्स, ये चीज यूनिवर्स आपको बोल रहे। बट फाइनेंशियली एंड इमोशनली आपको मदद करने के लिए आएंगे। एंड अगर आप सोलमेट को ढूंढ रहे हो वो भी मिलेगा, बट यू हैव टू डिसाइड दोनों में से अगर एक पर्सन को चूज करो तो भी, या फिर एक पैटर्न को अगर आप कंप्लीटली स्टॉप करना चाहते हो तो भी। बट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू, यू कैन नॉट जस्ट लेट थिंग्स जस्ट हैपन, यू कैन नॉट लेट दिस थिंग्स हैपन रिपीटेडली। ओके, नो नो, आप बार बार एक ही चीज नहीं हो, मतलब आप नहीं कर सकते हो बार बार एक ही चीज, राइट? नाउ एक चीज मैं बोल सकता हूँ मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के फ्यूचर में, प्रॉपर कमिटमेंट या फिर कमिटेड रिलेशनशिप पे जा सकते हैं, या फिर मैरिज हो सकता है, या फिर उनके साथ उनका फ्यूचर है, या पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके साथ आपका फ्यूचर है और यही आपके फ्यूचर हस्बैंड या फिर वाइफ है। अगर आप मतलब जानना चाहते हो कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे या फिर क्या उस नो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है, तो यहाँ पे भी ये सारे है कि ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन सबक सीखने के बाद आप ही के पास वापस आएंगे, या फिर जो पर्सन सीक्रेटली आपको यूज कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, सबक सीखने के बाद ये आप ही के पास आ रहे हैं। इन शॉर्ट, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसको सबक मिलेगा और वो आपके पास आएंगे। एंड डेफिनेटली जो जो इमोशंस, जो जो एडवाइस आपको बोला गया है उस एडवाइस के ऊपर फोकस कीजिए। सेल्फ लव, सेकेंड आपके डिसीशंस, थर्ड आपके काम, आपके फैमिली, आपके प्रायोरिटी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा हैप्पी लवली रिलेशनशिप, हैप्पी लवली रिलेशनशिप। और जब आप लिखोगे तब आप पार्टनर को सोच के लिखोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय मां काली, जय मां मातंगी। इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए एंड हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। जो जो दोस्त करंट फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं उन लोगों के पास भेजिए। और एट द सेम टाइम मैं बोलूंगा कि आप जब ये वीडियो को देख रहे हो तब आप इंट्यूटिवली थैंक्स बोलिए यूनिवर्स को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है यूनिवर्स से उसको आपको एक ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू यूनिवर्स। एंड होपोनोपोनो, उसमें हम क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जय मां काली, बाय बाय।